गाइस वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज जो है हम कंपेयर करने वाले हैं इन दो गाड़ियों को। कंपेयर किस सेंस में होगा? कंपेयर इस सेंस में होगा कि हम लोगों की इन दोनों की ड्रैग रेस कराएंगे। एक आईसी इंजन पे बेस्ड एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो ऑन द अदर हैंड एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी है। दोनों ही सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, 4 मीटर की श्रेणी में आती है। दोनों को ही टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। और दोनों में से इसको जो है वो सब्सिडरी का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 2030 तक ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 33% जितने भी पब्लिक और प्राइवेट वाहन है उनको इलेक्ट्रीफाई कर देगी। बट ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है, मुझे लगता है 10 साल और एक्स्ट्रा लग जाएंगे इसमें। 2035 के आसपास तक आते आते मुझे संभावना लगती हुई नज़र आ रही है। हालाँकि अभी ओला है और एथर है जैसी कंपनीज ऑलरेडी अपने 2-व्हीलर व्हीकल्स को भी जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टार्टअप्स आप रोज़ाना देखते हो। जंगित, मुझे याद है मेरा प्लेसमेंट हुआ था जंगित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जो ई रिक्शाज बनाती थी 2016 में, बट आई डिडंट जॉइन दैट कंपनी और मैंने सीधा ज्वाइन कर लिया अपोलो। एनीवे, ये सब चीज़ें जो है वो मेरे पर्सनल चैनल पे आप देख सकते हो, जहाँ पर हम लोग आपको दिखाते हैं कि मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, किन किन यूट्यूबर्स के साथ मैं हैंग आउट कर रहा हूँ, किन किन गाड़ियों को रिव्यू कर रहा हूँ और किन किन जगहों पर मैं हिल स्टेशन पे जो है वो जा रहा हूँ। बिकॉज इसके अलावा मेरी बहुत सारी लाइफ है जो गाड़ियों से जुड़ी हुई नहीं है, उसको चेक करने के लिए यहाँ आई कार्ड पे मैं जो है वो अपना पर्सनल चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लो और ठोक दो वहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन का बटन। फिलहाल तो हम लोग जो है वो इन दोनों व्हीकल को एक्चुअली जो है वो यहाँ पे ड्रैग रेस कराने वाले हैं। सबसे पहले मैं चलाने वाला हूँ एक आईसी इंजन, पहले इसमें चलते हैं यार, ये हमारे पास में काफ़ी टाइम से गंदी भी हो गई है। और उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे इसके अंदर। फिलहाल एक ड्रैग रेस, बेहतरीन ड्रैग रेस आपके लिए वेट कर रही है, तो चले अंदर चलते हैं। काफी पीछे रह गई यार ये तो। तो अभी जो है ना मैं इस वाली गाड़ी में आ गया हूँ, यानी कि नेक्सॉन ईवी में आ गया हूँ। और उधर जो है ना वो है आयुष। तो जी हो चुका है फाइनल कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। एडवांटेज इसको यहाँ पर पावर टू वेट रेशियो का तो मिलता ही है, उधर भी पावर टू वेट रेशियो काफ़ी सटल है, ऐसी बात नहीं है। बट इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ड्रैग कोफिशियंट एंड द वे इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड, उसमें एरोडायनामिक्स की काफ़ी लैंग्वेजेस इंक्रीज, इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो कुछ इस तरीके से रखी गई है कि इसके एरोडायनामिक्स ज़्यादा बेहतर हों कंपेरेटिव टू आईसीई इंजन। तो यस, यहाँ पर जो है वो आपको कोई भी लैग भी नज़र नहीं आता, इंस्टेंट पिक यहाँ पर मिलता है। क्यों? क्योंकि इट यूजेज अ मोटर, और मोटर को जनरेट करने के लिए, उसको पावर देने के लिए कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कम्बस्चन हो रहा है तब जाके वो आपको जो है वो पावर डिलीवरी देगी। तो जी हम बात कर रहे थे यहाँ पे एरोडायनामिक्स की। जी हाँ, एरोडायनामिक्स के मामले में काफ़ी बेहतरीन है। हालांकि ये भी अपने सेगमेंट में फास्टेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आती है, ये फास्टेस्ट CVT है, फास्टेस्ट ऑटोमेटिक इन एनी केस, अपने सेगमेंट में फास्टेस्ट है। और तकरीबन 11 सेकंड लगाती है 0 to 100 अचीव करने में। बट स्टिल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इनिशियल पिक होता है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी बूस्ट करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि पहले आपको टर्बो एक्टिवेट करना पड़ेगा या कंबस्शन पैदा करने पड़ेगा तब जाके एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पे इंस्टेंट एनर्जी रिलीज़ होती है। एंड एक चीज़ और, जो एनर्जी यहाँ पर जनरेट करती है मोटर, उसको व्हील्स तक आने में तकरीबन 85% तक जो है वो एनर्जी एफिशिएंट होती है, बट यहाँ पे केवल 60% तक ही जो है वो एनर्जी डिलीवर हो पाती है इंजन से, फिर आते आते एक्सल में और व्हील में, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग शाफ्ट, इन सब चीज़ों को मिला के। एनीवे, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हो गई, हम इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल तो जो है वो विनर इसको हम घोषित करते हैं, और बहुत सारी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को जो है वो हम आपके लिए यहाँ पे शूट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बस अपना प्यार बरसाते रहो, अपना ध्यान रखो, सुरक्षित चलो, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।